नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। आपसी विवाद में नामजदों ने युवक को मारी गोली। स्थिति गंभीर है, उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल यह मामला गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर गांव में रविवार की रात दो पक्षों के बीच हुई आपसी विवाद में नामजद ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जख्मी युवक की पहचान फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर गांव निवासी प्रद्युम्न महतो के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जख्मी युवक के चचेरे भाई से पूर्व में विवाद चल रहा था। इसी बीच एक बार फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गई। उत्पन्न हुई विवाद के बाद आरोपी ने युवक को गोली मार दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। घटना के संबंध में परिवार के सदस्यों ने बताया है कि आपसी विवाद को लेकर गोली मारी गई थी। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद फुलवरिया थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस संदर्भ में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि फुलवरिया थाना के रघुनंदनपुर रघुआ मोड़ के समीप आपसी विवाद में एक व्यक्ति को जांघ में गोली मारी गई है। बहरहाल गोली निकाल ली गई है, स्थिति सामान्य है। बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेज दिया गया है। घायल का नाम रघुनंदनपुर निवासी प्रद्युम्न महतो है। गोली मारने वाला विष्णु कुमार और अन्य की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। तीन लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। प्रद्युम्न महतो, इसका चाचा का लड़का एक भी उसी के शादी के मैटर में जितेंद्र प्रसाद ने गोली मार दी। आपका क्या नाम है? धनंजय कुमार। घटना क्या हुई थी? घटना झगड़ा हुआ था शादी का, पूर्व में झगड़ा था। इसे चाचा का लड़का का शादी का कुछ मैटर था, उसमें तलाक करवा दिए थे। उसी को लेकर विवाद हुआ। उसी के लिए विवाद हुआ। मारने वाले कितने आदमी थे? मरने वाले दो आदमी थे, उसका लड़का और वो।